और भैया आपको धनबाद से एक बड़ी खबर बताते चले, जहां महिला सम्मान योजना को लेकर महिलाओं में आपदा भी देखने को मिली है। महिला सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं में इस वक्त आपदा भी देखने को मिली। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदिकाओं की लंबी कतार देखने को मिली। सीओ कार्यालय में महिलाएं लंबी कतार में लगी दिखी। आपको बताते चले कि पदाधिकारी नहीं रहने पर महिलाओं ने नाराजगी भी जताई है। झारखंड महिला सम्मान योजना का लाभ लेने हेतु महिलाओं में इस वक्त आपदा भी देखने को मिली है। बड़ी और अहम जानकारी आप देख सकते हैं कि लंबी कतारों में महिलाएं कहीं ना कहीं खड़ी नजर आ रही हैं। योजना का लाभ लेने के लिए इस वक्त लोगों में आपदा भी का माहौल देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर सीओ कार्यालय में नहीं रहने के कारण लोगों में नाराजगी भी जो है वो देखने को मिली। और इसी पे अधिक जानकारी के साथ सहयोगी प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रकाश, देखिए राज्य की जो सरकार है वो महिला सम्मान योजना के तहत सभी महिलाओं को लाभ दे रही है, उसी बीच ये तस्वीरें सामने आई जहां महिलाएं लंबी कतार में लगी खड़ी नजर आई। सीओ साहब कार्यालय में नहीं मौजूद थे, उसको लेकर महिलाओं में आक्रोश भी देखने को मिला। क्या कुछ पूरी अहम जानकारी आपके पास? देखिए मैं आपको बता दूं कि महिला सम्मान योजना के तहत जिन महिलाओं ने आवेदन जमा किया था, जिन महिलाओं को अभी तक राशि जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके और कुछ त्रुटियां हैं, उन महिलाओं को ये कहा गया था कि आप ब्लॉक पे जाकर अपना आवेदन को सही करवा सकते हैं, आप वहां पे जाके अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। लेकिन आपको ये पता ही होगा कि पूरे देश भर में माफी जगह झारखंड में आचार संहिता लागू है, ऐसे में सरकारी कामकाज जो है वो पूरी तरह से अब हो चुका है। और महिलाएं जो थी उसी काम को लेकर अपना फॉर्म पहुंची थी कि हमारे जो फॉर्म है पिछले चार दिनों से लगातार वो ब्लॉक का चक्कर लगा रही थी। तो आज महिलाओं का कहीं ना कहीं गुस्सा फूटा है उन अधिकारियों पे जो कार्यालय समय पर नहीं पहुंचते हैं। समय पर कार्यालय नहीं खुलने से महिलाएं जो है वो काफी आक्रोशित हो गई। उनका कहना है कि पिछले कई दिनों से लगातार हम लोग अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि आप ब्लॉक पे चले जाए, आपका आवेदन वहां जमा कर दें, आप अपना एप्लीकेशन जमा कर दें, जो भी त्रुटियां हैं उसे पूरा उसे कर लिया जाएगा, क्योंकि 3 माह पहले उन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था या तो फिर जो कैंप जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया था उस कैंप जाकर उन्होंने अपना आवेदन फिलअप किया था। तो ऐसे में उन महिलाओं का कहना है कि हमने 3 माह से हमारे खाते में 1 भी रुपया नहीं आया, जबकि हमारे पड़ोस के रहने वाले महिलाओं को पैसा मिल रहा, हमारे परिवार के लोगों को पैसा मिल रहा, हमें पैसा नहीं मिल रहा। आखिर क्या कारण है इसकी जानकारी अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा महिलाओं को नहीं दिया जा रहा है, यही कारण है कि आज लंबी कतार अंचल माफ कीजिएगा धनबाद अंचल कार्यालय में देखने को मिला। और महिलाओं का ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो आवेदन जो हमने 3 माह पहले भरा था, हमें उस आवेदन के बदले में पैसा दिया जाए, क्योंकि सरकार की ओर से घोषणा कर दिया गया था आचार संहिता लगने से पहले ही। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि देखिए जो आवेदन जिससे जमा किया है उनको पैसा दिया गया, तो फिर हमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा, इसी को लेकर महिलाएं आज वहां जमकर हंगामा किया। जी साक्षी, चलिए तमाम अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपडेट लेते रहेंगे, खबर में बने रहेगा। बड़ी खबर दिखा रहे थे जहां महिला सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं में फरहाल आपदा भी देखने को मिल रही है। लंबी कतार में महिलाएं लगी नजर आई और कहीं ना कहीं आक्रोश भी उनके अंदर व्याप्त नजर आया।